For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Dr. Amir. I am a liver transplant surgeon. I did my graduation from Pakistan. उसके बाद मेरी सारी तालीम बाहर से है. I went to England and I did my FRCS, fellowship in surgery, and then I started working there. और उसके बाद मैंने अपना DRCSI, higher education की, and then I did my European board for organ transplantation, mainly for the liver. And after that, I went to Korea and did my fellowship in liver transplantation from Asan Medical Center, South Korea. And after that, I have also done my fellowship from Apollo Hospital, New Delhi, in living donor liver transplants. Liver transplantation Pakistan mein ek nayi speciality hai, jiski ke Pakistan ko bahut ashad zarurat hai. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस की वजह से बहुत ह्यूज पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से अफेक्टेड है. 7 में से 1 बंदा हेपेटाइटिस में इन्फेक्टेड है, और अगर हम हर घर में देखें तो कोई ना कोई हेपेटाइटिस से अफेक्टेड ज़रूर है. हमारे आउट पेशेंट्स में हम देखते हैं कि लोग हेपेटाइटिस की वजह से बीमार हो गए उस वक्त हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जबकि बीमारी एक हद से बढ़ चुकी होती है. उसमें आंखें पीली होना, जिल्द वो जो है काली हो जाना, जिसमें रंगत काली हो जाना, आई वुड से मोर प्रिसाइसली, पेट में पानी भर जाना, पाँव का सूजन, मुंह पे सूजन आ जाना, और खून की उल्टियां आना उन अलामत में से एक अलामत है. इन पेशेंट्स को जो जिनका लिवर फेल हो चुका होता है, अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन के साथ उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उसका इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांटेशन है. मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वाले पेशेंट्स जो हैं, इनका अगर इब्तदाई डायग्नोसिस हो जाए तो इन ये काबिले इलाज हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत सस्ते दामों इनका इलाज हो सकता है. मैं अपने पाकिस्तानियों को सजेस्ट ये करूँगा कि जब आपको बुखार हो, भूख ख़त्म होनी शुरू हो जाए, कमज़ोरी आनी शुरू हो जाए, तो अपने करीबी डॉक्टर से राबता करें, और हेपेटाइटिस क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है तो आप उसको इलाज करवाएं, और ये दवाइयों के साथ इलाज मुमकिन है. और अगर ये इलाज हो जाए तो फिर ये वाले पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आप इसका टाइमली इलाज नहीं करेंगे तो ये सारी जिगर जो है हेपेटाइटिस की वजह से ख़राब हो जाता है, और ख़राबी सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं, जिगर के अंदर रसौलियाँ बनती हैं जिनको हम उर्फ आम में कैंसर भी कहते हैं, और फिर वो कैंसर का इलाज करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता. लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है इस वक्त. इसमें ह्यूज पॉपुलेशन इज़ रिक्वायरिंग दिस ट्रीटमेंट. इसके लिए पहले तो लोग इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जो बंदे ज़्यादा अफोर्डिंग है, अमेरिका और इंग्लैंड में भी जाते हैं इस इलाज को कराने के लिए. इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए व्हेन आई वाज वर्किंग अब्रॉड, सो हमने कहा कि हम अपने लोगों का जाके पाकिस्तान में इलाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको सस्ते दामों उनका इलाज किया जाए. आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द पायनियर इन द लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी. मैंने और मेरी टीम ने गवर्नमेंट सेक्टर में इसका शुरुआत की लिवर ट्रांसप्लांट करने की, और हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किए हैं. लेकिन वहाँ पे सहूलियात कम होने की वजह से हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट मॉडल है, जिस तरह इंडिया या चाइना में लोग करते हैं. ऑब्वियसली गवर्नमेंट में सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन की स्पेस कम होती है. प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बंदे जो इंडिया और चाइना में जाते थे, हम उनका लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में बड़े सस्ते दामों ये कर रहे हैं, और विच इज़ कंपेयर, उसके रिजल्ट्स जो हैं विच आर कंपेरेबल विद एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अभी एक ही किया है पिछले 10 सालों के अंदर, इसीलिए हमने इसको और ज़्यादा सेंसिटिव साइड, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, विच इज़ कॉल्ड लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, वो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं कि एक हिस्सा लिवर का उनके रिश्तेदारों में से लेकर
पेशेंट का पूरा जिगर निकाल कर बाहर रख देते हैं और वहाँ पे वो वाला हिस्सा अटैच कर देते हैं जो कि आधा हिस्सा भी वो पूरे लिवर का काम करता है। इसके अंदर वो वाले पेशेंट्स जब हम वर्कअप कर लेते हैं तो उनमें हम दो चीज़ें लवाजमात होते हैं, एक जो डोनर जो कि उनका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए जिनमें बच्चे, बहन भाई, भांजे भांजे भतीजे ये क्वालिफाई करते हैं फॉर लिवर ट्रांसप्लांट डोनेशन, और दूसरा ब्लड ग्रुप का कंपैटिबल होना बड़ा ज़रूरी है। ए ब्लड ग्रुप को ए लगता है, बी को बी लगता है और ओ सबको लग जाता है। सो इसमें हम पेशेंट का जो डोनर है उसका यंग होना बड़ा ज़रूरी है, 18 से 40 साल के दरमियान हम इनको, कई दफ़ा एड सुपर फिट आदमी हो तो हम 50 साल तक भी ये ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं, और उसमें हमारे पास बड़े सेंसिटिव स्कैंस हैं जिसमें हम उसके लिवर का वॉल्यूम असेस कर लेते हैं। लिवर का वॉल्यूम में ये कि ये कितना हिस्सा हमने लेना है, कितना बाकी बचेगा और उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर फैटी लिवर्स हों उसको हम हार्वेस्ट नहीं करते, डोनर्स अगर उनको शुगर ब्लड प्रेशर की मर्ज लाहक हों तो वो वाले लिवर भी हम नहीं लेते। अ पर्सन हुज़ अ डोनर हैज़ टू बी अ सुपर फिट जेंटलमैन, और उसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए के टेस्ट करने के बाद ये पता लगता है कि ये सूटेबल डोनर है। साइमल्टेनियसली हम रिसिपिएंट का वर्कअप भी करते हैं, जो जिस बंदे को हमने लिवर देना है या नया लिवर लगाना है वो बंदे का लिवर के अलावा बाकी सारे सिस्टम ठीक होने चाहिए, जिसमें गुर्दे, फेफड़े और दिल का ठीक होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी मरीज़ को का दिल कमज़ोर है तो उसके हम दवाइयों के साथ कोशिश करते हैं कि वो ऑप्टिमाइज़ कर लें, लेकिन कई बंदों को हम डिक्लाइन भी कर देते हैं कि इन पेशेंट्स का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। सो मैं ये एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि ओपीडी में अगर कोई पेशेंट आया हु इज़ नॉट इवन एबल टू स्टैंड, उन पेशेंट्स का हम लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करते। लिवर ट्रांसप्लांट की सारी मिथ इसके अंदर ये है कि अगर हम उस लिवर को ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को जिसको चाहिए उसको नया लिवर लगा दें तो ही कैन गो बैक टू हिज सोसाइटी एंड अपने बच्चों के लिए अपना रोज़गार कमा के लाने के काबिल हो सके। जिन बंदों का हम बाहर के मुल्क में लिवर ट्रांसप्लांट किया करते थे, दे यूज़ टू गो फॉर मैराथन रनिंग, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक रनिंग करते थे। सो हम उन पेशेंट्स का लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं जो कि अपना नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, और ये गुजारते हैं। रिसिपिएंट और डोनर्स के जो हमारे पास सेट प्रोटोकॉल्स हैं कि हमने उनका वर्कअप कितना करना है, इसमें हमारे पास तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर हम उनका वर्कअप कर लेते हैं, और वर्कअप करने के बाद हम उनको अपनी मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमें एथिकल कमेटी में के थ्रू उसको गुजारना पड़ता है, जिसमें ये हमने प्रूव करना होता है कि जो ऑर्गन दे रहा है वो इनका ब्लड और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ही है। जो ख़रीदे हुए अज़ा हैं उनकी हम पैमंदकारी पाकिस्तान में नहीं कर सकते और कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है। जब हमारा डोनर सिलेक्शन हो जाए तो और साइमल्टेनियसली हम रिसिपिएंट की भी मेडिकल टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर तकरीबन से 2-2.5 लाख रुपए उनके अंदर भी लग जाते हैं। सो ऑल टुगेदर डोनर एंड रिसिपिएंट के अंदर 4 से 5 लाख रुपए के टेस्ट के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि हम अगर इस बंदे से ऑर्गन लें तो जो डोनर को कोई नुकसान नहीं होगा, और जो रिसिपिएंट है उसको अगर हम ये अज़ा जो कि उसके लव्ड वन से हमने लिया है इसको लगाएं तो ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। सो उसके बाद हम होटा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा लेकर फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर टॉप ऑफ द नॉच फैसिलिटीज़ है थिएटर के अंदर, और उसके बाद आईसीयू की जो फैसिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिवर ट्रांसप्लांट एक टीम जो है एफर्ट है, इसके अंदर सर्जन्स, फिजिशियंस, पल्मोनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन, ये सब मिलके एक, और एनेस्थेटिस्ट का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, और ये सब मिलके एक एफर्ट करते हैं जिसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि बंदा ठीक ऑपरेशन कराकर अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस चला जाता है। और फिर हम इन पेशेंट्स को बिल्कुल ऑफ द रडार नहीं होने देते, इन पेशेंट्स को हम अपने ओपीडीज़ के अंदर रेगुलर फॉलोअप्स करते हैं, और अगर कोई इनको मसला हो तो अकॉर्डिंगली हम उसको डील कर लेते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट वजूहात हैं लिवर के ख़राब होने की। पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस इज़ मोस्ट कॉमन, उस हेपेटाइटिस के अंदर भी हेपेटाइटिस बी और सी इज़ मोर प्रेवलेंट, सी मोर देन बी,
क्योंकि हेपेटाइटिस सी ये लगते कैसे हैं, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। जिस तरह के एक खून का कतरा किसी हेपेटाइटिस वाले मरीज का दूसरे बंदे को लगेगा तो वो भी हेपेटाइटिस का शिकार हो जाएगा। और ये खून के थ्रू और भी तरीक़ेकार हैं, जैसे डेंटल सर्जन्स के पास अगर अज़ा उसके जो है प्रॉपरली स्टेरलाइज ना हो उसकी वजह से हो सकता है, गंदी सिरिंजें यूज़ करने की वजह से, बारबर्स के पास जाने की वजह से, या आपके घर के अंदर अगर कोई पेशेंट है जिसमें दादा दादी नाना नानी भी या और भी कोई बंदे हो सकते हैं, उनके नेल कटर्स जो कि जहाँ पे ब्लड लग सकता है अगर वो यूज़ करें तो उसकी वजह से भी ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है। सो हेपेटाइटिस के अलावा हेपेटाइटिस ए एंड ई वाले जो पेशेंट्स हैं, बी और सी के अलावा ए एंड ई वाले जो पेशेंट्स हैं, ऑल्दो ए एंड ई आर सेल्फ लिमिटिंग बट स्टिल दे कैन लीड टू फर्मनेंट फेलियर्स, और फर्मनेंट फेलियर्स के अंदर मींस एकदम दीगर ख़राब हो जाता है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। सो वो वाले पेशेंट्स को भी एमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे बच्चों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जब उनको जो जिगर मिला होता है उनके अंदर खून की वो जिगर की नालियां बनी ही नहीं होती, वो फंक्शनल नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड बिलरी एट्रीजिया, उनमें भी लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। उसके अंदर उसके अलावा अगर कोई ग्रोन अप आदमी हो उसके अंदर खून गाढ़ा होने की वजह से खून की शरियाने बंद हो जाती हैं, दे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। कई दफ़ा अगर आयरन या कॉपर आपके लिवर के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए तो वो वाले लिवर नकारा हो जाते हैं और इन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। आजकल पाकिस्तान के अंदर मोटापे का काफ़ी रुझान है और ये वाले पेशेंट्स जो के जिनके पेट के ऊपर फैट होती है, जो फैटी होते हैं, इनके जिगर के अंदर भी फैट इकट्ठी हो जाती है, दैट कैन लीड टू अ नॉन फंक्शनल लिवर, जिनको हम नेफल्ड या फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द अनदर कॉज विच रिक्वायर्स लिवर ट्रांसप्लांट। ये बाहर के मुल्कों अमरीका वगैरह में उन्होंने फ़ास्ट फूड को कम कर दिया है, इवन स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि फ़ास्ट फूड वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा फ्राइड स्टफ़ ना लें, हेल्दी फूड की तरफ जाएँ, दैट कैन लीड टू ए हेल्दी लाइफ और लिवर फेल होने के चांसेस कम हो जाते। अगर किसी पेशेंट को मेरी ज़रूरत हो, क्योंकि मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लिवर कैंसर्स और लबलबे के कैंसर्स को ऑपरेट करता हूँ, और अगर मेरी मदद से पेशेंट्स को कोई फ़ायदा हो जाए तो उसके लिए आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म से। मैं लतीफ़ हॉस्पिटल में अपना ओपीडी करता हूँ 5 से 8 बजे मंडे टू फ्राइडे, और मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें।